ये किताब हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की, ठीक है। कल हमने इस लेसन की पहली दो एक्सरसाइज की थी, क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं किए हैं। आज हमने करनी है ये एक्सरसाइज। आर यू रेडी? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की ये छोटी सी एक एक्सरसाइज है। असल में होता क्या है, जब भी हम कोई चीज रिटन कम्युनिकेशन के जरिए कर रहे होते हैं, मतलब लिख के किसी को कोई चीज बता रहे होते हैं, या स्पोकन कम्युनिकेशन हो रही होती है, बोल के किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजें हम अपनी राइटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं और स्पोकन लैंग्वेज में भी करते हैं। बहुत सी बातें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अमूमन एक जो अमल हो रहा होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, वो हम अपनी रिटन कम्युनिकेशन में भी और स्पोकन कम्युनिकेशन में भी लोगों तक कन्वे कर रहे होते हैं। तो जो किसी अमल या किसी काम के होने की वजह होती है उसे हम कहते हैं कॉज, और जो काम या अमल हो रहा होता है उसे हम कहते हैं इफेक्ट। मिसाल के तौर पर क्या होता है, जब आप इम्तहान में अच्छे नंबर लेते हैं तो घर से भी या कॉलेज से भी आपको कोई ना कोई छोटा मोटा इनाम मिल जाता है। ये इनाम मिलना, ये प्रेजेंट मिलना, ये गिफ्ट मिलना एक इफेक्ट है, और इसकी वजह क्या है, इम्तहानों में अच्छे नंबर हासिल करना। या कभी कभार आपने देखा होगा किसी शख्स को केला खाया, केला खाने के बाद छिलका वही सड़क पे फेंक दिया, साथ में कोई करीब से आपका क्लासमेट गुजरता है, फिसल के गिर जाता है। तो अमल हुआ फिसल के गिरने का, ये इफेक्ट था, लेकिन इसका इसकी वजह या इसका कॉज क्या था, वो केले का छिलका या उस शख्स की तरफ से फेंकने का अमल, ये कॉज थे दोनों। ये मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब जो आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीन पे भी प्ले किया हुआ है, यही चीज इंग्लिश में आपको डिफाइन करके बताई जा रही है। एक मिनट, हमारे पास कुछ आ रहे हैं लोग, गलत टाइम पे लोग कॉल करते हैं। अच्छा जी, दो लोग हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट हम पढ़ने लगे थे। व्हेन वन इवेंट कॉजेज एन अदर टू हैपन, द कॉज इज व्हाई इट हैपेंस, द इफेक्ट इज व्हाट हैपेंस। वही चीज जो मैं पहले बता चुका हूं कि जो वजह होती है वो इस सवाल का जवाब दे रही होती है, व्हाई का, क्यों क्यों ये अमल हुआ, जो अमल हुआ, जो एक्शन हुआ, जो इवेंट हुआ, वो असल में होता है इवेंट व्हाट, क्या हुआ, फिसल के गिर गया, क्यों गिरा, केले के छिलके की वजह से। यहां छोटी सी तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है यहां पर के बादल बरस रहे हैं और इन्होंने छतरी उठाई हुई है। इवेंट या काम या अमल है इनका छतरी खोलना, इसकी वजह या इसका कॉज क्या है छतरी खोलने का, कि इन्होंने यहां बारिश हुई है। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं इसी चीज पे। आपसे कहा जा रहा है कि अब इतनी जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन की है इसमें से आपको कितना समझ आया, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड देन फिल इन द चार्ट राइटिंग द करेक्ट इफेक्ट, वन इज डन फॉर यू। यहां पर ये चंद चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको पढ़ना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड देन राइट द causes and effects separately। ये था उस टेक्स्ट के लिए जो हमने लेसन पढ़ा था, उसको फिलहाल रहने देते हैं, हम ये एक्सरसाइज करते हैं separately in their respective columns। ये दो कॉलम्स यहाँ नीचे बने हुए हैं, एक causes का है, एक effects का है। फॉलो द एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल हल की हुई है आपके लिए, ये वाली, द गर्ल प्लेड इन द मड एंड शी गॉट डर्टी। अब जो इफेक्ट हुआ वो था शी गॉट डर्टी, इसकी वजह क्या हुई? सर उमर को अनम्यूट म्यूट करें ना, आवाज बहुत आ रही है इसकी तरफ से। बिल्कुल उमर, आप अनम्यूट नहीं करेंगे माइक जब तक मैं नहीं कहता, ठीक है?
अनम्यूट ना करें बेटा, मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूं यहां से। अच्छा जी, इफेक्ट है शी गॉट डर्टी। एक चीज हुई, आपने देखा किसी के कपड़े मैले हुए हुए हैं, गंदा हुआ हुआ है कोई बच्चा, आप उसकी वजह तलाश करते हैं, वाई, क्यों डर्टी है, तो कॉज पता चलता है, शी या द गर्ल प्लेड इन द मड। समझ आ रही है? अगला जुमला मुझे नौफिल पढ़ के बताएं, ये हम यहाँ हल करेंगे, लेकिन आप कॉपी में हल करके उसकी तस्वीर बना के मेरे साथ फिर बाद में क्लास के बाद शेयर करेंगे। आई लेफ्ट माई क्लोथ्स ऑन द फ्लोर सो माई मदर स्कोल्डेड मी। नौफिल आप बता सकेंगे? यस सर, आई लेफ्ट माई क्लोथ्स ऑन द फ्लोर, सर ये है कॉज, और सो माय मदर स्कॉल्डेड मी, वेरी, और ये है इफेक्ट कि मेरी अम्मी ने मुझे डांटा। ठीक हो गया, ये क्या था, ये इफेक्ट था, आपके effect. किसी दोस्त ने आपके किसी क्लास में इतने देखा कि आपकी अम्मी आपको डांट रही है, उसने कहा वाई, क्यों क्यों डांट रही है। ये एक मिनट में, ये क्यों शोर आ रहा है सर? उमर बार बार अनम्यूट कर। उमर सर मेरा अनम्यूट है। उमर अगर आपका अनम्यूट हुआ तो आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर आज के लिए कम से कम आप शामिल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, कोई भी अनम्यूट ना करे अपने माइक को। सर मेरा अनम्यूट नहीं। बस जब तक मैं जिसका नाम लेकर ना पूछूं वो हाँ, अगर मेरी आवाज ना आ रही हो तो नौफिल बताएगा मुझे, बाकी कोई भी इशू हुआ तो अनम्यूट रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, किसी आपके दोस्त ने देखा आपकी वालदा आपको डांट रही है, स्कोल्ड करें, स्कोल्ड करना क्या होता है, डांटना, तो उसने पूछा क्यों डांट रही है, तो आपने उसकी वजह या उसका कॉज बताया, आई लेफ्ट माई क्लोथ्स। Huawei Y7 पे कौन बैठे हैं भाई, आपकी आवाज, आप म्यूट करें अपना माइक बेटा जी। ठीक हो गया, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। द वेदर बिकेम कोल्ड सो आई हैड टू पुट ऑन अ कोट। मौसम ठंडा हो गया इसलिए मुझे कोट पहनना पड़ा, ये मुझे बताएंगे उमर, इसमें कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है उमर? द वेदर बिकम कोल्ड कॉज, ठीक है, आई हैड पुट ऑन अ कोट, वेरी गुड, अब म्यूट कर दें। देखें आपने कोट पहन रखा है, कोई पूछता है क्यों कोट पहना है, तो आप वजह बताते हैं, कॉज बताते हैं, द वेदर बिकेम कोल्ड। इसके बाद अगला मुझे बताएंगे अब्दुल्ला इमरान। अली इज स्केयर्ड बिकॉज इट इज डार्क। अब्दुल्ला इमरान है हमारे साथ। अली स्केयर्ड कॉज है और इट इज डार्क इफेक्ट है। डार्क इफेक्ट है, वजह ये थी कि वो खौफजदा था, उसका असर ये हुआ कि अंधेरा छा गया। हसीब शाह आप बताएं। सर इट इज डार्क कॉज और इट इज स्केयर्ड इफेक्ट है। अली स्केयर्ड बेटा अब्दुल्ला इमरान, पहले अंधेरा छाया जो वजह बनी तो बच्चे को डर और खौफ लगने लगा। ठीक है अब्दुल्ला, आप देखें वाई का सवाल कहां उठता है, इट इज डार्क का पूछ सकते हैं, वाई इट इज डार्क, इस जुमले में यह तो नहीं बताया गया कि अंधेरा किस चीज की वजह से फैला, क्यों फैला, अलबत्ता रीजन बताया गया है या वजह बताई गई है, अली स्केयर्ड क्यों है, अली खौफजदा क्यों है, कोई पूछे अंधेरा क्यों है, नेचुरल सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में ये सवाल आ तो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में
डार्क की कोई वजह नहीं बताई गई अंधेरा होने की, वजह बताई जा रही है आपको अली के खौफजदा होने की। कोई पूछे अली खौफजदा है तो दूसरा पूछेगा क्यों, बिकॉज इट इज डार्क। अब्दुल्ला इमरान समझ आई? रैयान मुझे अगले सेंटेंस का बताएंगे, द बॉय एट सो मेनी कैंडीज ही फेल सिक। द बॉय एट सो मेनी कैंडीज, सर ये कॉज है ठीक, ही फील सिक, ही फील सिक, ही फेल्ट, ही फेल्ट सिक, सर ये इफेक्ट है। शाबाश, इफेक्ट हुआ, बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने पूछा इसने क्या खाया था, मम्मा को पता था, मम्मा ने कहा जी उमर ने बहुत सारी कैंडीज खाई थी, इसके पेट में दर्द उठा है और ये बड़ी किसी की मानता ही नहीं है, ना टीचर की ना हमारी। अच्छा तो वजह है द बॉय एट सो मेनी कैंडीज और कॉज ये है और इफेक्ट है ही फेल सिक। अच्छा जी, द कंप्यूटर वॉज नॉट वर्किंग एज इट हैड अ वायरस, इसका मुझे जवाब कौन देगा और मेरे साथ कौन बैठे हैं? नौफिल हाथ तो खड़ा कर रहे हैं लेकिन हुआवे वाई सेवन प्राइम पे कौन बैठे हैं, आप जवाब दे दें भाई। नहीं आ रहे सैमसंग, मैं बताऊं पहले मेरा नेट चला गया था। अच्छा पहले आपका नेट पहले चला गया, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा आवाज ही नहीं आ रही थी। चले अब्दुल्ला इमरान बता दें, The computer was not working. ये cause है, it had a virus effect. फिर देखो आप, अब आवाज आई फिर भी आपने गलत बताया। गलत है। अच्छा जी, ये Samsung Galaxy पे कौन बैठे? दोस्तों मेरा नेट नहीं चल रहा था। चलें अच्छा मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, don't worry. पहले ये जुमला हो जाए। Samsung Galaxy पे कौन बैठा है? कोई बताना पसंद करेगा? हुआवे वाइस, यस सर, माई क्लास के हमाद। हमाद आप बताएं। ले हमाद ने वीडियो ही बंद कर दी। अच्छा कोशिश ये किया करें कि आप अपने नाम के साथ अपियर हो ताकि मैं नाम लेके आप लोगों को बुला सकूं। चले नौफिल आप बता दें, The computer was not working as it had a virus. Sir, इसमें बिल्कुल चेंज होगा, as it had a virus ये होगी cause और the computer was not working ये इफेक्ट होगा इसके। जी हाँ जनाब, आप कंप्यूटर खोलते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, पता चलता है वो ओपन ही नहीं होता, तो आप कहते हैं क्यों ओपन नहीं हो रहा, भाई कहता है रात इसमें वायरस आ गया था इसलिए नहीं चल रहा, तो cause बना वायरस और इफेक्ट हुआ कि वो चलना ही बंद हो गया। सर इफेक्ट आखिर में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। वेरी गुड, लाजमी नहीं है कि कॉज, अच्छा अमूमन कॉज जो भी होता है नेचुरली वो पहले हैपन करता है, पहले होता है और इफेक्ट बाद में होता है, लेकिन ये नेचुरली इनका जो प्रोसेस होता है, लेकिन जुमला लिखते हुए या बोलते हुए ये बोलने वाले या लिखने वाले की अपनी चॉइस होती है कि जुमले का कौन सा हिस्सा पहले बता रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करता हूँ। खाली पेज नजर आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा जी, अगर मैं कहूं ही वेंट टू अ डॉक्टर, एक मिनट, अब्दुल्ला इमरान फिर चले गए थे बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक। इसी जुमले को अब यहां देखें, इसमें जो इफेक्ट है, सॉरी जो कॉज है वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही है? यस सर। एक मिनट, कलर चेंज नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, लेकिन
इसी जुमले को इस तरह भी लिखा जा सकता है, Because he was feeling sick, he went to a doctor. आ रही है बात समझ में? तो दोनों तरीकों से ये बात पहुंचाई जा सकती है. अब ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है या लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो ये इंफॉर्मेशन आगे कैसे पास ऑन करता है. समझ आ रही है? हाँ, ये चीज अलबत्ता आपके जहन में होनी चाहिए, कॉज को या इफेक्ट को जहां भी किसी भी सेंटेंस में बोलते हुए या लिखते हुए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि इस सेंटेंस में कॉज और इफेक्ट बताया गया है. सो हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, एफ ओ आर फॉर भी कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये हो सकता है, देयरफोर हो सकता है, कॉन्सिक्वेंटली हो सकता है, और भी कई सारे अल्फाज हैं. सो ये आपको इफेक्ट बता रहे होते हैं. आ रही बात समझ में? बिकॉज तो कॉज बता रहा होता है. सो ही वॉज इल, सो ही वेंट टू डॉक्टर. सो की वजह से आपको इफेक्ट पता चल रहा होता है, बिकॉज से आपको कॉज. तो जिन जुमलों में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होगा वहां अमूमन इस तरह के आपको कहने के सिग्नल वर्ड जिनको हम कह सकते हैं, वैसे और भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी इनको कहते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए. इनको हम क्या कहते हैं? सिग्नल वर्ड्स. जिस जुमले में ये सो आ जाए, बिकॉज आ जाए, फॉर आ जाए, देयरफॉर आ जाए, कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्टेंटली, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर क्या चीज कही जा रही है. अब्दुल्ला इमरान है हमारे साथ? हाँ अब्दुल्ला है. अब्दुल्ला मेरी आवाज आप तक आ रही है? सर मेरी आई तो है, बड़ी मेरी कट कट के आ रही है आपकी आवाज. क्यों मेरी आवाज कट कट के आ रही है? चले सर, मेरा नेट बहुत ज्यादा है इससे. अच्छा चले आगे बढ़ते हैं फिर. क्या कर सकते हैं, ये आपने जो टेबल है ये इसी बुक पे लिख के कंप्लीट करें या किसी अलग पेज पे लिखेंगे. जुमले हमने वैसे भी हल कर लिए हैं, लेकिन आपने लिख के उसकी तस्वीर बनानी है और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देनी है. ठीक है, मैंने कल शेयर किया था व्हाट्सएप नंबर, ताकि मुझे पता चले जो लोग क्लास ले रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं. यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ है आपके पास, ये जरा जल्दी से मुझे नौफिल पढ़ के बता दें. माइक अनम्यूट करेंगे नौफिल. जी नौफिल पढ़ें. Yesterday, after playing with my little rabbit, I put him back into his cage, but I did not close the cage tightly, and he escaped. I did not know he was loose until I saw something run by my feet. I jumped up quickly and hit the lamb on the table next to me. The lamb fell and crashed to the ground, making a loud noise. Soon, my father was in the room, and he was upset that he was woken up from his sleep. I reached down again to grab the rabbit, but he hid under the couch and then ran into the kitchen. When I heard the scream, I knew my mother had seen my pet. She grabbed him and put him back into his cage. I tightly secured the cage and he was back in his home. ओके जी, अब आखिर में कहा जा रहा है, यू थैंक यू नौफिल, यू हैव रेड द स्टोरी, नाउ राइट इफेक्ट्स इन द गिवन कॉलम अकॉर्डिंग टू द कॉजेज.
मुख्तलिफ कॉजेस थे जिनकी वजह से मुख्तलिफ इफेक्ट्स हुए। अगर आप सब लोग एक बार साइलेंटली दिल ही दिल में इस पैसेज को एक बार फिर पढ़ लें, मैं आपको दो मिनट देता हूं, दो मिनट में ये हो जाएगा, सारे के सारे इसको दोबारा साइलेंटली पढ़ लेंगे, ठीक है। जब आप पढ़ लें तो जिनकी वीडियो चल रही है हैंड रेज कर लेंगे। मोइज ने पढ़ लिया है, उमर ने पढ़ लिया, नौफिल ने भी पढ़ लिया, बाकियों की वीडियो नहीं आ रही है। अच्छा, अब्दुल्ला इमरान ने भी रेज कर दिया है हैंड, वेरी गुड अब्दुल्ला। सर पढ़ लिया, वेरी गुड अमात। हसीब शाह ने भी हाथ रेज किया है, रयान ने भी हैंड रेज कर लिया है, शाबाश, सब तकरीबन पढ़ चुके हैं, ठीक है, गुड, अच्छा हो गया। अब आप इस तरह करेंगे, वन बाय वन मैं आपसे नाम लेके पूछूंगा, इसको हमने इस इन कॉलम्स को भी फिल करना है। कॉजेज यहां लिखे हुए हैं इस टेबल में, आपने इफेक्ट्स बताने हैं, ठीक है जी। पहला आपके लिए हल किया हुआ है, I did not close the cage tightly. किताब आपके पास भी होगी, अगर आपने दोबारा उस लाइन वगैरह को पढ़ना हो तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यहां आगे चला गया है। I did not close the cage tightly. ये एक कॉज था कि उस केज का, उस पिंजरे का दरवाजा तेज टाइट बंद नहीं था, तो he escaped. इसका नतीजा या इसका असर क्या हुआ, उसका जो पेट था वो निकल के भाग गया। मुझे मुईज बताएंगे, आई जंप्ड अप, ये कॉज था, उसका इफेक्ट क्या हुआ। आई हिट टू द केज एंड आई हिट टू द लैंप एंड द लैंप क्रैश्ड। जी बिल्कुल, जब जंप किया, द जंप फेल एंड क्रैश्ड टू द ग्राउंड, पहले हिट हुआ और फिर नीचे गिर गया। नहीं, आई जंप्ड अप क्विकली एंड हिट द टेबल नेक्स्ट टू मी, इसको हम यहां तक लाएंगे, ठीक है। और फिर अगला थर्ड बताएंगे, द लैंप क्रैश्ड, ये था कॉज, इसकी इसका फिर इफेक्ट क्या हुआ, मुझे कौन बताना पसंद करेगा। हसीब शाह आप बताएंगे, इट मेड अ लाउड नॉइस। जी, जब लैंप नीचे गिर के टूट गया तो उसकी ये कॉज था एक नॉइज क्रिएट करने का, जिससे एक बहुत बड़ी आवाज क्रिएट हुई शोर की। फिर है द रैबिट रैन इन टू द किचन, ये एक कॉज हुआ, इसका फिर क्या इफेक्ट हुआ। मुझे बताएंगे रोमान, मोहम्मद रोमान हमारे साथ हैं, मोहम्मद रोमान आप माइक बताओ, एक मिनट रोमान से पूछ लेते हैं। रोमान मेरी आवाज आ रही है, अब्दुल्ला इमरान बता दें। In fear, I jumped up quickly. क्या कहें? फिर से बताएंगे। In fear, I jumped quickly. I reached the rabbit ran into the kitchen. She reached the rabbit, but he under the couch ran into the kitchen, heard the scream. जब वो किचन में गया तो आई हर्ड द स्क्रीम, किचन में जाने के बाद ये कॉज हुआ, इसका इफेक्ट हुआ, चीख की आवाज आई। मम्मा क्यों चीखी इसकी, उन्होंने अचानक रैबिट को किचन में देखा,
ठीक है, आगे है आई रीच्ड डाउन टू ग्रैब द रैबिट, ये कॉज था इसकी, इसका इफेक्ट क्या हुआ उमर? आई रीच डाउन, नीचे झुका ये रैबिट को पकड़ने के लिए, आवाज अनम्यूट करेंगे उमर, फिर आवाज आएगी आपकी हम तक। जी उमर आपकी आवाज नहीं पहुंची सही। बोलने दें उमर को। नहीं आ रही आवाज उमर आपकी। चले मुझे मोइज बता दें, इस वक्त मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है मुझे। आई रीच डाउन टू ग्रैब द रैबिट, इसका नहीं आता। इससे ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, यहां से देखेंगे अगर आप, आई रीच डाउन अगेन टू ग्रैब द रैबिट बट ही हिड अंडर द काउच। इसका क्या नतीजा निकला कि मैंने उसको पकड़ने के लिए नीचे हाथ किया तो वो इफेक्ट हुआ, भाग के आगे चला गया, अंडर काउच के नीचे छुप गया। समझ आई आप लोगों को? यस सर, यस सर। शी ग्रैब्ड हिम, इसकी मम्मा ने फिर उसको पकड़ लिया, तो उसका बाद क्या इसका इफेक्ट हुआ पकड़ लेने के बाद? Put him back into his cage. और दोबारा वापस उसको उसके पिंजरे में डाल दिया। वेरी गुड, आप तो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आ रहा है, अब आपसे पहले आपको क्या बताया गया था, इसमें कॉज बताया गया था, इफेक्ट आपने लिखना था, अब इफेक्ट लिखा हुआ है, कॉज आपने बताना है अगली एक्सरसाइज में। इफेक्ट क्या है? द बेबी स्टार्टेड टू क्राई, नहीं ये हमारे पास एक्सरसाइज ही नहीं है, आप अंदाजे से बता सकते हैं। ये असल में कुछ इनकी एक्सरसाइज गड़बड़ हो जाती है, बच्चा क्यों रोता है? जी नौफिल, बिकॉज ही वॉज फीलिंग हंग्री, he was feeling hungry, the baby started to cry, because भी कह सकते हैं, because he was feeling hungry, ये अंदाजे से लिखने हैं, क्योंकि इसकी कोई हमें स्टोरी या कोई ऐसी टेक्स्ट हमें नहीं दिया, ये भी आपने हल करके आज भेजनी है। फिर दूसरा सेंटेंस है, इसमें कॉज आपने बताता है बताना है अंदाजे से, आई गॉट सिक, कौन बताएगा? अब्दुल्ला इमरान बताए। आई एट टू मैनी कैंडीज, तो पिछली एक्सरसाइज से पढ़ के आए, कोई नया रीजन ढूंढे, कोई और बताना पसंद करेगा? कौन नाम बोले आप? नौफल सर। नौफल नहीं, नौफल आप थोड़ा सा सबर करें, किसी और से पूछ लेने दें। हमाद बताएंगे? यस सर, आई एट Into many candies. ओ भाई यही चीज अब्दुल्ला इमरान ने की और आपने भी यही की, वो बीमार पड़ गया, आप भी बीमार पड़ गए। हसीब शाह कोई और? Sir, because... जी जी रयान। Sir, because I am a corona patient. नहीं नहीं नहीं, आप करोना पेशेंट ना बने। हसीब शाह बताए। Because I swim in cold water. Because I swim. Stood, swam, ठीक है, swam in the cold water, I got sick, क्योंकि मैं ठंडे पानी में मैंने स्विमिंग की और मैं बीमार पड़ गया। अल्लाह अकबर, बचना था पहले, लोग कैंडीज खा के बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा जी, कॉज नंबर थ्री, ये नौफिल आप बताएं, इसका इफेक्ट हुआ, शी वन द स्पीच कॉन्टेस्ट इन द स्कूल, ये इफेक्ट है, एक खातून या एक लड़की ने स्कूल में स्पीच कॉन्टेस्ट जीत लिया, ये तो हुआ इवेंट या इफेक्ट, कॉज क्या होगा नौफिल? मैं बताऊं? नौफिल को सोचने देना, मुश्किल वाला। सर, बिकॉज़ सर स्पीच वाज वेरी गुड।
बिकॉज हर स्पीच वॉज वेरी गुड. अब्दुल्ला इमरान आप बताइए भी सही है गलत नहीं, क्योंकि अंदाजे से हम बता रहे हैं. She prepared well for speech contest. Very good. She prepared well for the speech contest. She won the speech contest in the school. Nofel, Abdullah Imran bhi tez ho gaya hai. Aap na samjhe Abdullah Imran ko. Kuch aisa waisa. Theek hai? Sir, main janta hi nahi kaun hai. Achha ji. Ye kaun hamare saath aaye hain Oppo A5 se? Achha ji. फिर चौथा सेंटेंस मुझे कौन बताएगा जिसका कॉज हमें नहीं पता, कॉज आपने क्रिएट करना है. टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, ये मुझे बताएंगे मोइज. बिकॉज द स्टूडेंट विसल्ड इन द क्लास द टीचर पनिश द स्टूडेंट. फिर से बताएं, थोड़ा सा समझ नहीं आया मोइज. The student whistled in the class. The student whistled in the class. The teacher punished the student. Students, इसमें ज्यादा हैं. आप इसमें कह सकते हैं the students whistled. Students, चंद students ने या काफी सारे students ने class में whistle किया, इससे teacher ने उनको punishment की. ठीक हो गया. आज के लिए इतना काफी है. Kinds of noun आ रहे हैं, ये कल हम इंशाल्लाह grammar में पढ़ेंगे. ये तीन exercises हमने आज हल की हैं और तीन एक्सरसाइजेज आज हमने हल कर ली हुई हैं. तो आपने क्या करना है, ये जो तीनों एक्सरसाइजेज हैं आपने अलग पेज पे लिखनी है, उनका इमेज बनाना है, तस्वीर बनानी है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना है. फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज करें. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. कल मुलाकात होगी 9 बजे.